राजनेता हैं और माननीय के सम्मान में बहुत पहले से हम लोगों के साथ रहे हैं। माननीय के पद सम्मान में जो सब कहेंगे माननीय सुरेश चंद्र, धन्यवाद भाई विजय जी। आज इस ग्राउंड में मैं पहले कई बार भी आ चुका हूँ, जैसा कि अभी यहाँ हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता को वर्षों से होती चली आ रही है, लेकिन जो संबल, जो ताकत, जो ऊर्जा महर्षि साहब के आशीर्वाद के बाद प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूँ इस जनपद में अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी हैं। और यह केवल एक क्रिकेट प्रतियोगिता की ही बात नहीं है, ईश्वर की कृपा रही है, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं कई दशक से इनके साथ जुड़ा हूँ और यहाँ से लेकर बॉम्बे तक कई क्षेत्रों में इनका योगदान बराबर होता रहा है। और विशेष कृपा ईश्वर की है कि इन्होंने जिस मिट्टी को छू दिया, जो एक कहावत है कि जिस मिट्टी को छू दिया वो सोना हो गया, तो इसमें और हम सब का सौभाग्य है, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है और हमारे जो नौनिहाल हमारे सामने बैठे हैं, जो इस देश की भविष्य हैं, इनका सौभाग्य है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के इस समिति के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने जो ये नर्सरी लगाई है, निश्चित तौर पर यह जब वृक्ष के रूप में यह नर्सरी तैयार होगी तो हमारे इस क्षेत्र के जैसे भी यशस्वी भाई देश में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आजाद जी के आशीर्वाद से आप सभी लोग इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः मैं महर्षि आजाद जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुरेश मिश्रा जी, हमें संबोधित कर रहे थे। एक बात तो पक्की है, अभी हमारे बीच राजन सिंह एडवोकेट साहब, जो बहुत ही सीनियर अधिवक्ता है, अभी एक बात बता रहे थे, मैं एक बार भूल जाता, बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को बता दूं। देखिए, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है और जब आप दिल से मेहनत करते हैं और जांच लगा करके अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको हर हाल में मिलना होता है। कोई एक निर्णायक है जो निष्पक्ष है, जिसने हमको आपको यहाँ पर जीवन दिया है और आने का शुभ अवसर दिया है और यहाँ पर कुछ कर गुजरने का शुभ अवसर दिया है। तो अभी यशस्वी जायसवाल के बारे में बता रहे थे, वो पूर्व विदित है, किसी ग्राउंड का खिलाड़ी रहा है, आप सबकी उम्र तक, बड़ी उम्र तक यहाँ पर रहा, वो क्रिकेट खेला करता था, यहीं पर यहीं से आगे निकला, मगर उसमें एक बहुत ही विशेष टैलेंट था कि जब धूप में सब खिलाड़ी चले जाया करते थे, आज आदरणीय बता रहे थे कि ये जब दोपहर में वो सुबह मॉर्निंग कोर्ट हो जाती है तो 12-1 बजे अमूमन ये लोग वापस आ जाते हैं कचहरी से, तो जब ये वापस आ रहे थे और सारे लड़के कहीं जा चुके थे या कोई छाये में बैठ रहा था, तो उस धूप में वो जो पिच था उसकी मरम्मत कर रहा था, उस पर पानी छिड़क रहा था, कभी मतलब उसका इतना ज़्यादा लगाव था, मतलब मेहनत के तो कई कहानियाँ उसकी प्रचलित हैं, आप लोगों को अब YouTube पर और जगह जो सूचना के दूसरे माध्यम है वहाँ से मिल जाएंगे। मगर आज यशस्वी जायसवाल जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी उत्पन्न हुआ है, जो अभी मैं समझता हूँ जिसने T20 और टेस्ट क्रिकेट में लोहा मनवा करके अब वो वनडे का ही शायद प्लेयर हो जाएगा, तो सारे फॉर्मेट का वो जो प्लेयर हम लोगों के बीच में बना है, निश्चित रूप से उसकी कड़ी मेहनत है। और ये कड़ी मेहनत अगर आप लोग भी अपने जीवन में उतारने में कामयाब होंगे
तो ये मैं समझता हूँ कि कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो आपको प्राप्त न हो सके। और वो जैसा कि आज अभी आदरणीय सुरेश मिश्रा साहब ने कहा कि ये इतना विराट व्यक्तित्व का सानिध्य हम लोगों के पास है कि उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका सानिध्य, आपने जिस जिस चीज़ को भी छुआ यहाँ, मतलब जहाँ पर भी जिनको भी सानिध्य मिल गया, वो क्या से क्या हो गए, इसको इसकी परिकल्पना, ये बहुत बहुत कहानियाँ हैं वो कभी आप सुनते रहेंगे। हमारे पास दो अभी वक्ता बचे हैं, कई वक्ता बचे हैं, मगर मुख्य जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, इस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं, संजय श्रीवास्तव जी भी संबोधित करेंगे, और रामजीत यादव जी जो अध्यापक हैं और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, वो भी संबोधित करेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि आदरणीय को हम पहले सुन लें, उनके सम्मान में पहले राजमणि जी और फिर आभार हमारे अध्यक्ष जी व्यक्त करेंगे। इसके पूर्व हम सब ये अनुरोध कर रहे हैं, आप सब की तरफ से विनती कर रहे हैं महर्षि आज़ाद सर से कि हमें और आपको वह आशीर्वाद स्वरूप अपनी अमृतमयी वाणी का उपहार दें।